अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो मोबाइल टैक्स वसूल करने वाला ही कोई नहीं होता वहां पर। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो मैं दिखाता हूँ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हर रोज न्यू टेक्निकल वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज आप नई वीडियो देख सकें। सो गाइस, एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन रजिस्टर करवाने के लिए आए एक मुसाफिर ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बैरूनी मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फोन पर टैक्स आयद किया गया था, जिसकी अदायगी के लिए मुसाफिर जलील ख्वार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक मुसाफिर ने बताया कि हम मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवाने के लिए कस्टम ऑफिस गए तो इन्होंने कहा कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करने का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं, लिहाजा आप एयरपोर्ट ऑफिस चले जाएं। एयरपोर्ट ऑफिस गए तो चौथी मंजिल पर कस्टम ऑफिस था। वहां गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मोबाइल फ़ोन रजिस्टर नहीं होते, आप कार्गो के दफ्तर चले जाएँ। कार्गो के ऑफिस आए हैं तो हमें पता चला कि इनका सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, ना ही इनसे लॉग इन हो रहा है, लेकिन यहाँ की तारें लगी हैं। वीडियो में मौजूद एक और मुसाफिर ने बताया कि एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोग रिश्वत भी मांगते हैं। नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं वीडियो। कस्टम ऑफिस में होंगे जी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, आप तो चले जाए एयरपोर्ट ऑफिस चले जाए जी। एयरपोर्ट ऑफिस आए हैं, एयरपोर्ट में फोर्थ फ्लोर पे इनका जी कस्टम का ऑफिस है, वहाँ गए। उन्होंने कहा जी आपने तो नहीं होता, आप कार्गो के ऑफिस चले जाए। कार्गो के ऑफिस में आए तो यहाँ पर जनाब पहले चला रहे सिस्टम उनका ओपन नहीं है, वो लॉग इन उनसे हो नहीं रहा, जरूरी लोग हो रहा था, लोग यहाँ पे टोकन ये सब लोग देखें, इन सबको टोकन इशू हुए हैं। तो ये आपके सामने है, सूरत हाल देख लें, अभी तक एक भी एक्टिविटी नहीं हो सकी और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया कि लोग परेशान हैं, क्या करेंगे आप लोग।